अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन मसूर पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। मटन मसूर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 25 ग्राम अदरक, 25 ग्राम लहसुन, प्याज एक मीडियम साइज़, हरी मिर्च 5 से 6, 1 टेबलस्पून अखा धनिया और हरा धनिया, इतना हरा धनिया ले लीजिए, 1 टीस्पून सौंफ, स्टारफुल आधा और काली मिर्च 4 से 5, 4 लौंग, 2 हरी इलायची, शाह जीरा 1 टीस्पून, 2 टुकड़े दालचीनी के। अब हम मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। इन सब को फाइन पेस्ट बना लीजिए। सभी मसाले ऐड कर हम इसकी फाइन पेस्ट बना लेते हैं। अब एक कुकर लेंगे, इसमें 300 ग्राम गोश्त लिया है हमने धोकर, और अब इसमें हम 2 प्याज कटी हुई ऐड कर देंगे, 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, 1 अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और 1 लहसुन अखा ऐड कर देंगे इसमें, 1 चम्मच 1 नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं और 3 सीटी ले लेंगे गोश्त के गलने तक, ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। 3 सीटी लेने के बाद हमने फिर से कुकर गरम करने के लिए रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे घी 1 टेबलस्पून, तेल 3 टेबलस्पून, और गरम होने के बाद इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, शाह जीरा, हरी मिर्च बीच में से कटी हुई, और साथ में ऐड करेंगे प्याज एक मीडियम साइज कटी हुई, और हम भून लेंगे इसे लाइट ब्राउन होने तक। ये देखिए हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाले हमने ग्राइंड किए थे, वो पेस्ट ऐड कर देंगे। जब हम मसाले पीस कर डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे तेल छूटने तक हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 चम्मच, 2 टमाटर कटे हुए, 3 मिनट तक पकाएंगे इसे। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे 1 कटा हुआ, इसे भी हम अच्छी तरह चलाते हुए पका लेंगे। अब अखे मसूर हम इसके अंदर मिला देंगे, जो हमने धोकर रखे थे आधे कप, आधे घंटे से भिगोकर रखे थे, वो भी ऐड कर दिया हमने। अब इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, ये 1.5 कप है, 300 ग्राम चावल है ये कॉलम राइस है, आप बासमती राइस भी ले सकते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह चला लेंगे। अब हम इसके अंदर उबले हुए गोश्त का स्टॉक अलग निकाल लेंगे और उसे भी इसी में ऐड करेंगे। ये हमारा गोश्त गल चुका है, इसका स्टॉक हम चावलों में ऐड करेंगे। ये हमने अलग कर लिया है, अब इसे हम चावल में ऐड करेंगे और पानी भी ऐड करेंगे। स्टॉक और पानी दोनों मिलाकर हमने 4 कप पानी लिया है। पानी चावलों के 1 इंच ऊपर होना चाहिए, जिससे चावल बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। अब हम उबला हुआ गोश्त भी इसमें ऐड कर देंगे और हम नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक हमारा बराबर है इसमें। अब हम इसमें कोथमीर ऐड कर देंगे। अब हम कुकर की लिड को बंद कर देंगे और 3 सीटी ले लेंगे, और 3 सीटी लेने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और 15 से 20 मिनट के बाद हम कुकर की लिड ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी मटन मसूर पुलाव बनकर तैयार है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। इसमें हमने सब मसाले पीस कर डाले हैं,
तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए कितनी लजीज बनी है ये, और बहुत अच्छी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसे सर्व कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।